भारत रत्न पूर्व राष्ट्रपति दार्शनिक विचारक एवं महान शिक्षाविद डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी के जन्म दिवस एवं शिक्षक दिवस के अवसर पर कलेक्ट्रेट सभागार मुरादाबाद में शिक्षक सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। इस अवसर पर जिलाधिकारी मानवेंद्र सिंह, MLC डॉक्टर जयपाल सिंह व्यस्त एवं महापौर विनोद अग्रवाल, जिला पंचायत अध्यक्ष डॉक्टर शेफाली सिंह द्वारा बेसिक शिक्षा विभाग के 10 एवं माध्यमिक शिक्षा विभाग के 10 शिक्षक एवं शिक्षिकाओं को सम्मानित किया गया। इन सभी 20 शिक्षकों और शिक्षिकाओं को अंगवस्त्र प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम के दौरान लखनऊ में आयोजित मुख्यमंत्री के कार्यक्रम का ऑनलाइन प्रसारण भी दिखाया गया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए MLC डॉक्टर जयपाल सिंह व्यस्त ने कहा कि केंद्र व राज्य सरकार शिक्षा के विकास हेतु दृढ़ संकल्पित है। प्रदेश में शिक्षा के विकास के लिए अनेकों योजनाएं एवं कार्यक्रम संचालित कर कार्यकल्प जैसी योजनाओं के माध्यम से विद्यालयों भवनों का सुदृढ़ीकरण किया जा रहा है। उच्च शिक्षा के क्षेत्र में प्रदेश सरकार नए आयाम स्थापित कर रही है। आज का दिवस संकल्प लेने का दिवस है। एक टीचर से, आचार्य से, प्रोफेसर से उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति तक की यात्रा, उनका जन्म दिवस है। उन्हें नमन करने का भी, स्मरण करने का भी, और उनके व्यक्तित्व और कृतित्व से हम कुछ ग्रहण कर उसका अनुकरण भी करें और अनुसरण करने का भी यह दिवस है। जैसे एक उदाहरण डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी का, उसी रूप में एक दूसरा उदाहरण और है। एक यात्रा टीचर से महामहिम तक की, राष्ट्रपति तक, और दूसरी यात्रा एक साइंटिस्ट से महामहिम राष्ट्रपति बने, और राष्ट्रपति के बाद पत्रकार वार्ता में उन्होंने कहा कि अब मैं टीचिंग करूंगा। ऐसे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, टीचर से राष्ट्रपति और राष्ट्रपति से टीचर। तो टीचर का स्थान क्या है, यह पूरी तरह से स्पष्ट है। जिला पंचायत की सभी यहां जो बैठे हैं डायस पर या सामने, वह टीचर के कारण से है, गुरु के कारण से। पूरे देश भर के जिन लगभग 80 गुरुजनों को महामहिम राष्ट्रपति जी ने आज विज्ञान भवन में सम्मानित किया है, उन्हीं के साथ कल देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने भेंट की थी और गुरुजनों से चर्चा में कहा था कि माँ तो, भैया ये रुक जाओ, माँ तो बच्चे को जन्म देती है लेकिन गुरु बच्चे को जिंदगी बनाने का काम करता है। महापौर विनोद अग्रवाल ने कहा कि भारतीय संस्कृति के विकास में गुरुजनों का अमूल्य योगदान है। शिक्षक समाज आज भी राष्ट्र निर्माण में अपनी भूमिका का निर्वहन कर रहे हैं। गुरुदेवो महेश्वर और गुरु साक्षात परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। सभी गुरुजनों के चरणों में मेरा सादर प्रणाम और वंदन। आज के इस कार्यक्रम में मंच पर अभी गुरुदेव ने कहा कि हम डैश पर भी जो लोग बैठे हैं वो सब गुरुजनों की कृपा से बने हैं। भाई किसी ना किसी गुरु से तो शिक्षा ली होगी और कहीं ना कहीं किसी भी गुरु ने हमें मार्गदर्शन करके यहाँ तक पहुंचाया कि हम लोग आज समाज का नेतृत्व कर रहे हैं, जनता का नेतृत्व कर रहे हैं, एक दिशा दे रहे हैं। तो ये सब गुण तो गुरुजनों ने ही दिए हो, तो मैं आज उन सब गुरुजनों को आज के अवसर पर याद करते हुए, स्मरण करते हुए उनको क्या सत्य स्वाद गुरुजन ही बताएंगे, बधाई दूंगा। क्योंकि मेरे टाइम के जो गुरुजन है वो अधिकतम शायद ही बहुत कम बचे हुए हैं,
मुझे ये बात दिखाई दी। जिलाधिकारी मानवेंद्र सिंह ने सभी को शिक्षक दिवस की बधाई देते हुए कहा कि शिक्षक द्वारा बच्चों के चरित्र निर्माण के लिए किया गया प्रयास कभी भी व्यर्थ नहीं जाता है। उन्होंने कहा कि अरबों खरबों रुपए की लागत से निर्मित होने वाली परियोजनाएं एक न एक दिन नष्ट हो जाती हैं, परंतु शिक्षक द्वारा दिए गए संस्कार पीढ़ी दर पीढ़ी लोगों के लिए पथ प्रदर्शक बनते रहते हैं। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए डीएम ने अपने शिक्षक जीवन काल के अनुभवों को भी साझा किया। उन्होंने शिक्षकों को गुणवत्ता परक शिक्षा प्रदान करने के लिए प्रेरित किया। आज का ये कार्यक्रम आप लोगों को सम्मानित करने के लिए आयोजन किया गया है। कार्यक्रम से पहले मैंने दो दिन पहले यहाँ पर ज्वाइन किया है, तो मैंने पूछा कि कैसे चेंज किया गया अध्यापकों का। मुझे पूरा विश्वास है कि बहुत ही अच्छे ढंग से चेंज किया गया होगा, गुणवत्ता के आधार पर चेंज किया गया होगा। किंतु मुझे थोड़ा यह अवश्य लगा है कि आवेदन कम हुए थे। भविष्य में इस चीज़ का ध्यान रखा जाए कि अधिक से अधिक आवेदन हो, जिससे कि सभी लोगों को अवसर मिले। बेसिक शिक्षा और माध्यमिक शिक्षा के क्षेत्र में वर्तमान सरकार ने बहुत काम किया है, आप सभी को जानकारी है। और जो शिक्षा व्यवस्था हमारी जो पटरी से उतर चुकी थी, उस शिक्षा व्यवस्था को पटरी पर दोबारा लाने का काम सरकार ने किया है। मैं समझता हूँ कि यहाँ पर जो लोग भी बैठे हैं या पिछले छः वर्षों में साढ़े छः सालों में जो विभिन्न स्कूलों में कॉलेजों में जो शिक्षक चयनित होकर पहुँचे हैं, वो अपनी भूमिका भलीभांति निभा रहे होंगे। एक समय ऐसा भी था कि पूरे जनपदों में मैं 2017 की बात कर रहा हूँ, मैं जनपद ललितपुर में डीएम था, 200 से अधिक प्राइमरी के स्कूल ऐसे थे जहाँ पर एक भी शिक्षक नहीं था और 300 के आसपास ऐसे स्कूल थे जहाँ पर एकल शिक्षक था। अब शायद किसी भी स्कूल में अब ऐसी स्थिति नहीं होगी कि एकल शिक्षक वाला कोई स्कूल हो। इस अवसर पर सीडीओ सुमित यादव, जिला विद्यालय निरीक्षक डॉक्टर अरुण कुमार दुबे, एडी बेसिक बुद्ध प्रिय सिंह, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी अजीत कुमार व अन्य विभागीय अधिकारी तथा बड़ी संख्या में शिक्षक शिक्षिकाएं मौजूद रही।